सर, मेरा नाम मंजीत कुमार है, मैं जामिया का छात्र हूँ। अभी आपने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत की बात की। जहाँ तक मेरे ज्ञान, मैं अपने अध्ययन के उस पर बात करना चाहता हूँ। जाहिर है कि आपका अध्ययन मुझसे ज़्यादा होगा और तुलना करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सावरकर जी ने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत का समर्थन कहाँ किया है। मेरे लिए द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत का समर्थन है पाकिस्तान के निर्माण का समर्थन। उन्होंने हिंदुत्व के अवधारणा को जरूर स्थापित किया था, लेकिन पाकिस्तान के निर्माण का समर्थन उन्होंने कहाँ किया था। और पाकिस्तान के निर्माण के समर्थन की अगर बात की जाए तो एक और हमारे बड़े नेता हैं जिनको हम बहुत मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। अगर मैं वहाँ यहाँ उनका नाम लूँ तो शायद आप लोग कहेंगे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर आए हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पाकिस्तान के निर्माण का बड़े स्पष्ट तौर पर समर्थन किया था, तो उनकी आप लोग आलोचना क्यों नहीं करते। उन्होंने खुलेआम ही मुस्लिमों के देशभक्ति पर भी सवाल उठाया था, तो उसकी आप बात क्यों नहीं करते, मुझे इन सब चीज़ों के जवाब। बहुत अच्छा सवाल आपने किया बेटा। द्विराष्ट्रवाद क्या है ये समझना पड़ेगा हमको। द्विराष्ट्रवाद का मतलब कि एक समाज में दो राष्ट्रीयता के लोग रहते हैं, और यही परिभाषा उसका पाकिस्तान बनने और ना बनने से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग ये कहते पाकिस्तान बन गया इसके दो राष्ट्र, ऐसा नहीं है। जिन्ना भी दो राष्ट्रवाद, जिन्ना कहते थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों साथ नहीं रह सकते, दोनों अलग अलग राष्ट्रीयताएं हैं, अलग अलग नेशनैलिटीज हैं, इनके अलग कल्चर हैं, अलग सभ्यता है, अलग सोच है, और ये दोनों साथ नहीं रह सकती। बिल्कुल यही बात सावरकर अपनी किताब में कहते हैं। सावरकर इस बात को मानते हैं और कहते हैं कि पिछले 1200 साल से लगातार लड़ाई चल रही है, और ये लड़ाई इसलिए चल रही है क्योंकि दोनों साथ नहीं रह सकते। यही दो राष्ट्रवाद का सिद्धांत है, यही मैंने पढ़ा और यही मैं लोगों को बताता भी हूं। आपने कहा अंबेडकर, मुझे लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर ने तो जो बात कही है वो तो हिंदुत्ववादियों को तो कभी पसंद ही नहीं आएगी। बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहा है कि जब तक हिंदू धर्म का नाश नहीं हो जाता, ये मेरे शब्द नहीं है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने लिखा। एक अब आपने सवाल कर लिया मुझे, था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा है मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, मैं हिंदू मरूंगा नहीं, और अपने मृत्यु के 6 महीने पहले उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की जो परिभाषा, जो हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक विचार है और इसको हर हालत में रोकना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर को समझने के लिए, बाबा साहब अंबेडकर ने के बारे में तो लोग ये भी कहते हैं, जब महात्मा गांधी की बायोग्राफी लिखने वाले लोग थे, कि जब पूना वाले मसले पर, जब रिजर्वेशन के मसले पर जब वो अमरण अनशन पर बैठे, तो उनका जो बायोग्राफर था वो लिखता है कि अगर कोई एक आदमी हिंदुस्तान के अंदर जो गांधी की मृत्यु के बारे में सोच रहा था वो शायद बाबा साहब अंबेडकर थे। तो बाबा साहब अंबेडकर बहुत दूसरी जमीन पर सोचने वाले लोग थे, वो जो बात कह रहे थे, क्योंकि हम उस पीड़ा को नहीं समझ सकते कि दलितों के साथ क्या व्यवहार हिंदू धर्म के अंदर हुआ है, ये हम नहीं समझ सकते। इन जानवरों से बदतर हमने किया है। पेशवाशाही ने के जमाने का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। पेशवाशाही में जिसको हिंदू राष्ट्र का उत्थान माना जाता है, उस पेशवाशाही में दलितों को सड़क पर निकलने की इजाजत नहीं थी, और अगर इजाजत थी तो अपने कमर में झाड़ू बांधकर निकलने की इजाजत थी, कि आप कमर में झाड़ू बांधेंगे दलित, और जैसे जैसे आगे जाएगा पीछे ये धूल है उसको साफ करता हुआ जाएगा, ताकि पीछे अगर कोई अपर कास्ट का आदमी आ रहा है तो पोल्यूटेड ना हो। इतिहास के तथ्य है, मेरा कोई दिया नहीं है। उनको जमीन पर थूकने की इजाजत नहीं थी, गले में लोटा बांध के चलते थे दलित, कि तुम थूको तो लोटे में ही थूको, क्योंकि तुम जमीन पे थूकोगे तो जमीन अपवित्र हो जाएगी और पीछे से जो अपर कास्ट के लोग आ रहे हैं वो अपवित्र हो जाएंगे। जरा उस पीड़ा को, एक दिन मेरा कहना है कि हिंदू धर्म के जो तमाम मानने वाले लोग हैं, एक दिन अपनी पीठ पर, अपनी कमर पे झाड़ू बांध के चल के तो दिखा दो, गले में लोटा बांध के तो चलो, फिर पता चलेगा दलित की पीड़ा क्या थी और कैसे हिंदू धर्म के अंदर दलितों के साथ अन्याय किया गया। यही पीड़ा थी बाबा साहब अंबेडकर, जो कहते थे मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूं लेकिन मरूंगा नहीं, और अंत में वो कहते हैं क्यों नहीं मरूंगा, बोला जब तक मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ता तब तक मेरे पर जो दलित है ये मुझसे नहीं छूटेगा, मैं ब्राह्मण नहीं हो सकता, मैं बनिया नहीं हो सकता, मैं शूद्र हूं, शूद्र में पैदा हुआ, शूद्र ही मरूंगा।
यहां कोई मोबिलिटी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि और जातिवाद जो है, जो कास्ट स्ट्रक्चर है, ये कास्ट स्ट्रक्चर ही दरअसल हिंदू धर्म की बुनियाद है। और अगर मुझे अगर मुक्ति पानी है तो मुझे इस कास्ट स्ट्रक्चर को खत्म करना पड़ेगा। और मैं कास्ट स्ट्रक्चर को जब तक, और कास्ट स्ट्रक्चर तभी खत्म होगा जब हिंदू धर्म खत्म होगा। ये मेरे विचार नहीं, ये बाबा साहब अंबेडकर के विचार है। इस पर भी तो सोचना चाहिए। जिन बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहा कि हिंदुत्व तो जो है ये हिंदू राष्ट्र विचारधारा देश के लिए सबसे खतरनाक है और इसको हर कीमत पर रोकना चाहिए, आज उसको अपनाने की बात करते हैं। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है कि हम बाबा साहब अंबेडकर को साथ लेके चल रहे हैं। आज तक आरएसएस ने दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के की बेहतरी के लिए कोई आंदोलन नहीं किया। गोरक्षा का आंदोलन आपने किया, राम मंदिर के लिए आपने आंदोलन किया, आपने बताइए दलितों के लिए उत्थान के लिए कौन सा आंदोलन, क्या वो हिंदू नहीं है? चंद 15-16% अपर कास्ट हैं जिन्होंने पिछले सदियों से शासन किया है, जो 54% बैकवर्ड हैं और जो 17-18-19% जो दलित हैं, आज उनका वक्त है, वो अपना हक मांग रहे हैं और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, जिस दिन दलित पिछड़े साथ आए उस दिन से अपर कास्ट पीछे हो गया। यही नियति है, हमको समझना पड़ेगा, हमको इंसान मानना पड़ेगा, अपनी हिंदू धर्म की कमियों पर हमें विचार करना पड़ेगा, उसके अंदर रिफॉर्म करना पड़ेगा, उसके अंदर बदलाव करना पड़ेगा, उसको सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो देश बड़ी मुश्किल दिशा में जा रहा है। ये मैं आज आपसे कहना चाहता हूं। और एक बात मैं और कहूंगा, आरएसएस विवेकानंद के बारे में बहुत बात करते, विवेकानंद जी ने यह कहा था हिंदुस्तान जो है वो वेदांता माइंड, हिंदू माइंड और मुस्लिम बॉडी, इन दोनों के साथ ही चल सकता, अलग नहीं चल सकता। आखिरी दो सवाल, आई थिंक सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। आई एम समीना वर्किंग एज लेक्चरर इन जामिया मिल्लिया इस्लामिया। ऑलरेडी आई हैव लिसनड अ लॉट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर योर बुक एंड whatever we have nowadays, the secular country, what we are facing the problems here in our country. So I will like how you will help to come up Muslim young leadership to come up, and as a journalist how you can help and let us know, start a movement like this, because all the educated, I think so, the person they are just backing up because they don't like to come in politics and all, and women, especially the women, Muslim women, how leadership can come up and how you will help to come up a new leadership to come up in this situation and to make a new India and make a new secular country as we dream of, and as we dream of, let's hope for the best. Hello, assalamu alaikum. मैं तस्नीम कौशल। आशुतोष जी, किताब के हवाले से आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। किताब अभी पढ़ी नहीं है, पढ़ूंगी इंशाल्लाह। ये जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट आप जाके जो वाजी हो रहा है, और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जब टिकट मिल गया तो मुझे लगता है कि मुसाद ने अपनी कैंचली उतार दी है। आपने बात की पार्टीशन की, तो कुलदीप नैयर जी ने कहा था कि फसाद पार्टीशन के लिए कराए जाते हैं, उसी तरह से फसाद आज भी पार्टीशन के लिए ही कराए जाते हैं, वो वोटिंग के पार्टीशन के लिए। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आपने ये हिंदू राष्ट्र के फलसफे पे काम किया होगा, आपने रिसर्च भी काफ़ी की होगी और काफ़ी लोगों से मिले होंगे, तो क्या कभी आपने प्रैक्टिसिंग मुस्लिम से जो कुरान पढ़ता है और यहूद नसारा की बात जानता है, क्या आपने उनसे कोई बात की? आपने कहा मुस्लिम लीडरशिप के बारे में, तो मैं तो तैयार कर नहीं सकता, वो तो समाज को अपने अंदर से ही वो लीडरशिप पैदा करनी पड़ेगी। और ये मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है कि आज़ादी के बाद से अपने अंदर कोई ऑल इंडिया लीडर नहीं पैदा कर पाया, और ये बहुत बड़ी दिक्कत। लेकिन मैंने अपनी किताब के दौरान जब मैंने रिसर्च किया है तो मुझे जो संकेत मिले वो बहुत स्पष्ट हैं कि एक एडुकेटेड मिडिल क्लास यंग लड़के जो हैं, मुस्लिम लड़के हैं, वो अब सोचने लगे हैं।
और मेरे मेरा अपना ये मानना यह है कि ये जो क्लर्गी हैं, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो कोई भी हो, या हिंदुओं के अंदर भी जो ये भगवा पहन के लोग त्रिपुंड लगा के आते हैं, मुझे उनसे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप राजनीति में दखल ना दें, आप राजनीति को नागरिकों के ऊपर छोड़ दें। हमको हमको आपके चंदन लगाने से कोई दिक्कत नहीं, मैं भी चंदन लगाता हूँ, मैं भी त्रिपुंड लगाता हूँ, मैं भी टीका लगाता हूँ, मैं भी मंदिर में जाता हूँ, मैं भी प्रसाद देता हूँ, मैं भी चरणामृत खाता हूँ। आप मुझे राजनीति मत सिखाइए, राजनीति तो अपने हिसाब से चलने दीजिए, रूल ऑफ लॉ इस देश के अंदर चलने दीजिए। यही हाल मुझे लगता है कि ये जो जो सो कॉल्ड जो जो मौलाना लोग हो गए हैं, उनसे जो राजनीति में दखल देते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान किया है। उनको रिजेक्ट करने की जरूरत है। जब तक आप उनको रिजेक्ट नहीं करेंगे, तब तक उनकी दुकान चलती रहेगी। उनको रिजेक्ट कर दीजिए। दो चीजों पे फोकस करना चाहिए पूरी सोसाइटी को, एक एजुकेशन कैसे बेहतर से बेहतर, मॉडर्न एजुकेशन। जितना दुनिया के अंदर मुल्कों ने तरक्की की है, उन्होंने अपने एजुकेशन को बहुत महत्व दिया है। और मैं छोटा सा एग्जांपल इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि चीन में कम्युनिज्म था, माओ की मृत्यु के बाद वहां पे जब डेंग ज़ियाओपिंग नए लीडर बने, जब वो वहां के प्रीमियर बने, तो आपको जान के हैरानी होगी कि उन्होंने दो डिपार्टमेंट अपने पास लिए। दो डिपार्टमेंट हिंदुस्तान का, मैं शर्त लगा सकता हूं हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री वो डिपार्टमेंट नहीं लेगा, मैं शर्त लगा सकता। उन्होंने दो डिपार्टमेंट लिए जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च लीडर थे, सुप्रीम लीडर थे, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा जब तक चाइनीज अपनी शिक्षा में पश्चिमी देशों के बराबर तरक्की नहीं करेंगे, तब तक चाइना का तरक्की नहीं हो सकती। उन्होंने कहा अगर मुल्क को आगे बढ़ना है तो एजुकेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी और साइंस भी हमको करना पड़ेगा। हमारे यहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई डिपार्टमेंट लेता है तो सबसे कमजोर नेता होता है, जिसको कुछ ना कुछ देना होता है उसको उसको दे देते हैं। और एजुकेशन के नाम पे तो आप देख ही नहीं क्या हो रहा, इतनी दुकानें चल रही हैं प्राइवेट की, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपका बच्चा अच्छा पढ़ ही नहीं सकता। चाइना ने तरक्की इसलिए की क्योंकि वहां पर ऐसी विजनरी लीडरशिप थी जिसने एजुकेशन के महत्व को समझा और जिसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपनाया, और थोक के भाव में थोक के हजारों चाइनीज स्टूडेंट्स को बोला कि आप जाइए हार्वर्ड में पढ़िए, स्टैनफर्ड में पढ़िए, ऑक्सफर्ड में पढ़िए, कैम्ब्रिज में पढ़िए, और पढ़ के उनको सरकारी खर्चे भेजाएगा, और आप पढ़ के वापस आइए और अपने मुल्क की सेवा करिए। तो ये एजुकेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे ख्याल से हर समाज को करना चाहिए, और वही एकमात्र रास्ता है। इकोनॉमिक आप, और जब आप करेंगे तो आपको अच्छी नौकरियों में जगह भी मिलेगी, आपकी सोच आगे आगे बढ़ती है। मैं अगर, मेरे पिताजी गांव में रहने वाले थे, अगर जिंदगी भर गांव में रहते तो मैं भी शायद नहीं कुछ समझ पाता। वो बाहर निकले पढ़ने के लिए, उनको नौकरी मिली, उन्होंने तरक्की की तो उनके परिवार के बच्चों ने भी तरक्की की। तो एजुकेशन की है उसको, और मॉडर्न एजुकेशन, मैं मानता हूं मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए। आपने प्रैक्टिसिंग कुरान, भाई मैंने तो जिन लोगों से बातचीत की, मैं मान के चलता था कि वो प्रैक्टिसिंग कुरान वाले ही लोग थे। वो मैंने तो ये नहीं सोचा, उनसे पूछा कि आप कुरान पढ़ते हैं नहीं पढ़ते। मान के चलता हूं कि अगर कोई, मैं हिंदू हूं तो मैं मान के चलिए कि मैंने गीता पढ़ी होगी, मैंने महाभारत पढ़ी होगी, मैंने रामायण पढ़ी होगी। हाँ, उपनिषद शायद नहीं पढ़ा होगा, ये बात अलग, तो संस्कृत में, संस्कृत मेरी भाषा नहीं, लेकिन मैं वेदों के बारे में जानता हूं। मैं जानता हूं कि शंकराचार्य का दर्शन क्या था, मैं जानता हूं कि माया का सिद्धांत क्या था। और इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत, मैंने आरएसएस के एक मित्र से कहा, मैंने कहा आरएसएस को जला, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि वो आपकी विचारधारा के दुश्मन है। लेकिन मैं आपकी तारीफ तब करूंगा जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसा इंटरनेशनली अक्लेम्ड यूनिवर्सिटी दूसरी खड़ी करके दिखा दीजिए, तब तो मानूंगा। मैंने कहा 5 साल आपका शासन हो गया, बताइए किस यूनिवर्सिटी के अंदर शंकराचार्य को पढ़ाया जाता। शंकराचार्य 700वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। जो दर्शन उन्होंने दिया, जो उन्होंने थिंग इन इटसेल्फ की, जो उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, 1000 साल के बाद जर्मन फिलोसोफर इमानुअल कांट वही बात करते, और हमको लगता है कि इमानुअल कांट दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक, और आज भी हिंदुस्तान के विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता और हमारे शंकराचार्य को नहीं पढ़ाया जाता। यह हमारे देश की दिक्कत है।
तो वो क्यों, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है कि शंकराचार्य को पढ़ाया जाए, रामानुजा को पढ़ाया जाए, वल्लभाचार्य को पढ़ाया जाए, चैतन्य महाप्रभु को पढ़ाया जाए, कबीर दास को पढ़ाया जाए, रहीम दास को पढ़ाए, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी दिलचस्पी सिर्फ इसमें है कैसे आपस में लड़ाया जाए। आप हिंदू, आप हिंदुस्तान के एजुकेशन को भारतीय करिए ना, आप अरविंदो को पढ़ाइए, आप विवेकानंद को पढ़ाइए, दयानंद सरस्वती को पढ़ाइए, राममोहन राय को पढ़ाइए, इनकी टेक्स्ट को परमानेंट कर दी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इसलिए है क्योंकि आप जवाहरलाल नेहरू जैसे विश्वविद्यालय को तबाह करना चाहते हैं और उसकी जगह कोई दूसरा विश्वविद्यालय खड़ा करने की हैसियत आपकी नहीं है, क्योंकि आपके पास टैलेंट है ही नहीं। ये दिक्कत है।